सो गुड मॉर्निंग फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, ठीक हूँ, कैसे हैं आप? फिलहाल 9:10 हो रहे हैं और यहाँ से दिल्ली के लिए रवानगी ली गई है, मतलब पहुँचा जा रहा है और सोचा थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी तो मौका था, निकल लिए तो अब पहुँच रहे हैं, बस चेक किए हमारे एक दोस्तों ने, पिक कर रहे हैं बस। तो देखिए शेंकी मास्क लगाने की कोशिश कर रहा है, वो नीचे कर लिया। देखो भाई भाई मास्क लग गया आपके, ग्रीन ग्रीन कलर के शेंगी भाई ने खरीदवाए ये मास्क, मतलब कोई लॉजिक बन रहा है ग्रीन कलर के मास्क का? फिलहाल दिल्ली तो पहुंच चुके हैं लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, शॉर्ट्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं कि ट्रैफिक में कहां फंसे हुए हैं, अब देखते हैं कितने टाइम में पहुंच पाएंगे। फिलहाल 12:02 तो हो रहे हैं और चले कब थे वो आपको पता ही है। और ये बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी का मास्क मजबूरी में ख़रीदना पड़ा है टोल से, तो आप देखिए इस पर लिखा हुआ क्या है, ईवॉक नई ब्रांड है। तो फाइनली जिस लोकेशन पर हमें आना था वहाँ हम आ चुके हैं और एक डॉक्टर से मिलना था हमारे फ्रेंड को, तो हम बस उनके पास आए हैं, यहाँ से फ्री होके देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ से फ्री हो चुके हैं और टाइम हो रहा है 1:06 और अब देखते हैं कहाँ जा रहा है, अगर मौका लगा शॉपिंग करने का तो बहुत एक्साइटेड। तो शाहनवाज साहब हमें लेके आए हैं बीकानेर, हम आए हैं बीकानेर और हम अंदर देखें क्या उधेड़ना है, क्या खाना है। शाहनवाज भाई को देख रखा है आप लोगों में सबने, तो अब बीकानेर जाना है और बीकानेर जाने के बाद बात चल रही है। फिलहाल ऑर्डर तो दे दिया गया है, मैंने पनीर चीज़ पिज़्ज़ा सॉरी चीज़ बर्गर बोला है और बाकी इन लोगों ने जो अपने आइटम बोले हैं और फिर शेक वगैरह बोले हैं, अब देखते हैं कैसा आ रहा है क्या है। कोल्ड कॉफ़ी आ गई है, ये देखिए कोल्ड कॉफ़ी गिरती हुई आई है, तमाम हाथ दरसते हुए, तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर के लिए रखा है। फिलहाल ऑर्डर रेडी हो चुका है और हम जा रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए। आ गया पनीर डोसा, तो फिलहाल मेरा तो आ गया है बर्गर यहाँ पे और इन दोनों के पनीर डोसा आ गए हैं, बाकी कोल्ड कॉफ़ी अपनी यहाँ रखी है। तो अब भूख जो लग रही थी उसे मस्त से बुझाते हैं हम लोग और मैं शुरू करता हूँ अपना बर्गर, बाकी देख लेंगे इनके में से भी थोड़ा बहुत। फिनिश हो गया है बर्गर भी और नॉर्मल डोसा भी और कोल्ड ड्रिंक नहीं सर कोल्ड कॉफ़ी भी, और अब जो है शाहनवाज हंस रहा है इसी बात पे कि यार ये सारी चीज़ें बता रहा है, मैं क्या करूँ भाई मजबूरी है बताना है। अब चलते हैं बाहर और शेंगी को चाहिए शूज़ और मुझे भी चाहिए शूज़, और अगर मिल गए बढ़िया वाले तो ले लेंगे आज मौका मार के। फिलहाल ये है दिल्ली का ट्रैफिक एज यूजुअल, सड़ी गली है, तो जिस गाड़ी से आए हैं उसकी LED वर्क नहीं कर रहे हैं, यहीं पर काम कराया था ना LED का, फिलहाल चेकिंग चल रही है, अंदर बैठे हैं ये चेक कर रहे हैं। तो मैं हूँ इस टाइम दिल्ली रफार मार्केट में, रफार मार्केट से हम आगे निकले हैं शूज़ देखने के लिए और मार्केट बहुत लंबी सी है, मैं दिखाता हूँ आपको।
तो ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये है गफ्फार मार्केट यहाँ की। ये मार्केट गफ्फार मार्केट फेमस है बेसिकली मोबाइल वगैरह के लिए, लाइक मोबाइल के फोल्डर वगैरह, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह, एयरफोन, चार्जर, जो भी चीज़ें एक्सरसाइजी सब कुछ यहाँ मिलता है। ऊपर वाला एरिया आप मेरे पीछे का देख रहे होंगे, ऊपर जाके पूरी मार्केट है ये गफ्फार मार्केट यहाँ की। तो फाइनली इतना घूमने के बाद शूज़ ले लिए और शूज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो शूज़ तो रख दिए कार में, प्यास लग रही बहुत तेज की, पानी पी लिया नहीं बुझ रही, गन्ने का रस ढूंढ रहे हैं। टाइम हो रहा है 4:43, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं ओखला यहाँ से शाहनवाज भाई के कहने पर। अब पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे वो, हम दिखाते कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल शेंगी तो सो चुके हैं और शाहनवाज हमारे ड्राइव करके हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं ट्रैफिक से जूझते हुए। ऐसा लंगर चल गया। हाँ अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है बता जी का चैनल। तो फाइनली पहुंच गए हम, 6:36 हो रहे हैं और हम आ गए हैं अबू फजल और ये हमारे साथ जानी मानी हस्ती होंगे जानते होंगे। यहाँ पर खाने की तैयारी होती हुई, यहाँ तो हो तो नहीं खाने की तैयारी, यहाँ पे खाना गर्म होता हुआ मस्सा, और वहाँ पे ये हमारे शादीब साहब सर्व करते हुए लगाते हुए एकदम। खाना वगैरह हो गया है, टाइम हो रहा है 8:43, यहाँ निकल रहा है जल्दी से यहाँ से, और लोग बहुत चिल रहे हैं बैठे हैं पीछे से मोजे पहन रहे देख रहा हूँ। अभी बताऊँगा हम क्यों आए थे यहाँ पे, अभी तक मैंने बताया नहीं था, अभी बताऊँगा क्यों आए थे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं शो का टाइम होने वाला है, 8:38 हो रहा है। फिलहाल खाना वगैरह सब मस्त करे खा लिया है, अब आगे चलते हैं। तो फिलहाल वेव पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है पूरे 9 रहे हैं और शुरू में 15 है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम काट के देख ले कपड़े वगैरह कुछ, मुझे तो लेने नहीं, फीमेल सेक्शन है सारा। तो ये शाहनवाज बहुत जिद कर रहा है मूवी देखने के लिए। छठा एस्केलेटर है, ये एस्केलेटर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ये लास्ट पार्ट है। तो अभी शो छूटा है यहाँ पर और भीड़ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा चारों तरफ। Do you comprehend the value of the bullet in your barrel? तो फाइनली इंटरमिशन हो गया है और मूवी बहुत अच्छी है, एक्शन मूवी है, पूरी मूवी में शेर से ही लड़ रहे हैं और दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं। लेकिन इस मूवी से एक चीज़ समझ में आई, आलिया भट्ट गंगूबाई क्यों बनी, जिन लोगों को समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फाइनली मूवी कंप्लीट हो चुकी है और 12:25 हो रहे हैं, सीरियसली मुझे छोड़कर आनी पड़ी है मूवी। तो फाइनली निकल चुके हैं अमरोहा के लिए, मूवी खत्म हो चुकी है, मूवी का रहे क्या कहूँ मैं आपको, मूवी बस छोड़ो यार मत पूछो यार, आगे वाले दे दो ठीक है यार, बढ़िया थी बस, मैं हर्ट नहीं करना चाहता किसी फीलिंग्स को। फैमिली फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ, टाइम हो रहा है 4:10। मूवी की बात करें तो मूवी का ओवरऑल अगर मैं रिव्यू देना चाहूँ तो मुझे
ओके ओके लगी यार, मैं ज़्यादा बुराई भी नहीं करूँगा, लेकिन मूवी में हद से ज़्यादा VFX का यूज़ हुआ है, हद से ज़्यादा। मतलब कोई साइंस नहीं, कोई न्यूटन का लॉ नहीं, कोई आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, मतलब लिटरली कुछ भी हो रहा था उसमें। मतलब जो इम्पॉसिबल है वो सब कुछ इस मूवी में पॉसिबल है। तो फिलहाल सबका अपना अपना ओपिनियन है, आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और एक्साइटिंग ब्लॉग में, लव यू ऑल, बाय।